यार इस जगह पर हम मट्टी डाल डाल के ना थक गए हैं। दो दिन बाद दोबारा ऐसे हो जाते हैं, पानी देते हैं नीचे बैठ जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये जिसने बनाया था ना उसने मट्टी को दबाया नहीं था सही से अंदर से, तो ये काम अभी दोबारा करना होगा, यानी कि इसमें मट्टी डालनी होगी ताकि यहाँ पर घास सही से हो जाए। क्या हुआ क्या हुआ, लड़ाई हो रही है यार, दोनों गंजी मुर्गियां आपस में बहने हैं, लड़ती हैं बहुत ज्यादा, इनके आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। ये आराम से अंडों पर बैठी होती है, ये वाली गंजी मुर्गी ना बच्चों वाली इसके ऊपर हमला कर देती है। बहने हैं कि दुश्मन है समझ नहीं आती। और इधर गंजी मुर्गी ने कबूतर का क्या हाल किया है? ये गंजी मुर्गी ने किया है। गंजी मुर्गी को यार, ये गंजी मुर्गी मुर्गी इतना जालिम क्यों होता है यार? इस कबूतर बेचारे को जख्म है भाई, इस पे मैं वो ले आता हूँ हल्दी और तेल लेके आता हूँ, इसको लगा के इधर नहीं बंद करो, किसी और प्रायोरिटी लगा दो। हाँ ठीक है लगा दो लगा दो। और इस कबूतर को ना अलहदा शिफ्ट करो कहीं पे, अब ठीक हो जाएगा, इसको अलहदा बंद कर दो। चलो भाई तुम कुछ दिन यहाँ रहो। बेचारा, तो यहाँ पर जो पिंजरा था वो कहाँ है? रखा है अभी मैंने, अभी मार्केट चल रहे हैं, बहुत सारे जंगली परिंदे लेकर आ रहे हैं। क्यों? तुम चलो, एक मिशन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार ये जो आप पिंजरा देख रहे हैं ना, इस पिंजरे को हम अभी लेकर जाएंगे पेट्स मार्केट, और हमारा जो आज का मिशन है सिप्तान सुन लो, अब हमारा जो आज का मिशन है जंगली परिंदों को लेना और उन सबको आज़ाद करना। जो भी इस पिंजरे में आएंगे, जितना जितना हमें नज़र आएंगे ना, हम उनको लेके आज़ाद कर देंगे। तभी दोस्तों चलते हैं पेट्स मार्केट और जंगली परिंदे लेकर आते हैं। चलो भाई सिप्तान, इसको उठाओ और गाड़ी में रखो, चलो 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 आ जाओ, चलो चलो। ये तो बहुत अच्छा सोचा यार, अभी अभी बनाया प्लान। हाँ बस जहन में आया कि यार बता दिया करो यार, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आज़ाद की था, मुझे इतना अच्छा लगा था उनको आज़ाद करने में, तो मैंने फिर अभी सोचा कि जो भी परिंदा मुझे मिलेगा ना मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। खोलो दरवाजा खोलो, चलो बैठो 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 करके बैठ चले जाचू। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं जंगली परिंदे लेने, और हम देखते हैं कि हमें वहाँ पर कौन कौन से परिंदे मिलते हैं। तो चलो चलते हैं सिप्तान, रेडी हो ना? ऐसे बैठा हूँ, जल्दी पहुँचा दो। चलो भाई अब इसको काटो, मेरा गला खा दो यार, वाकई में गला दब रहा है क्या यार? मैं नीचे से घुसो ना ऐसे, हाँ ऐसे, कोई हाल नहीं सिर्फ टाइम तुम्हारा, चलो आओ जल्दी आओ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंडी, और अब हम जा रहे हैं मुख्तलिफ परिंदे लेने। तो आओ भाई शयान, आ जाओ आप भी। हम हर एक दुकान पर जाएंगे, जहां पर भी हमें कोई जंगली परिंदा नजर आएगा ना हम लेते जाएंगे जितना हमसे हो सके। शयान इधर आओ। तुराब चाचू किस साइड पर गए? तुराब चाचू किधर है? वो बहुत दूर है। दूर है, चलो ढूंढते हैं। मैंने एक जगह पर ना जंगली कबूतर देखे हैं, वो ले ले। हाँ ये वाले, ये बेचारे कितने सैड हैं, ये हम लेंगे फिर इनको आज़ाद करेंगे, ठीक है? हाँ गुड। ये सारे कीड़े हैं ना, ये वाले पकड़ लिए यार, इसके अंदर हैं, ये वाले पकड़ रहे हैं भाई, इसमें डालते हैं। कौन कौन से परिंदे आजाद करें? और वो वाला भी, वो भी पकड़ लिया। और बताओ, ये नहीं, ये मर जाते हैं, ये जो है ना ये घरों में पालने वाले हैं, ठीक है? इनको उड़ाएंगे तो ये मर जाएंगे। मुर्गा, मुर्गे को कहाँ आजाद करोगे? अंडा भी है, किसने दिया? इसने, इन चिड़ियों ने। क्या बात है भाई, आपका गिफ्ट यार तोड़ देगा, तो मुझे दो, टूट जाएगा। दे दो दे दो भाई। अब बारी है शिकरे की, इसको भी पकड़ते हैं और इसको भी आजाद करेंगे। कुकू, हेलो। चलो चलो चलो, ये भी दे दे भाई। सर आप वहाँ से परिंदे ले रहे हैं और हम वो कबूतर ले लेते हैं जो आराम से सैड से बैठे हुए थे ना। ठीक है श्याम, आ जाओ भाई। ये चार जंगली कबूतर पैक कर दो यार। तो इस मार्केट में जितने भी जंगली परिंदे थे ना हमने सारे ले लिए,
ये भी है, एक बच्ची गोदाम में, एक बच्ची है सिर्फ, अकेली थी, अकेली। चलो ये भी डालो, लास्ट है ये भी, इसके किस्मत में भी आजादी लिखी हुई थी। चलो चलो, बुलबुल भी ले ली, ये लास्ट चिड़िया भी आ गई, इसको टूटने वाला है, आपने ही तोड़ा होगा। आखिर शान कामयाब हो गया अंडे को तोड़ने में, वेरी गुड, शाबाश। यार काफी ज्यादा हमने जंगली परिंदे ले लिए हैं, इनको उसमें डालो ना, उस पिंजरे में जो लाए थे हम, फिर इजी हो जाएगा। ओए ओए ओए, निकल तो नहीं जाएंगी? नहीं नहीं, ये नहीं निकल। निकल रही है, निकल रही है। हाँ तो बंद कर दो दरवाजा, बंद। अभी अभी यहाँ से निकली है एक। तो यार तमाम जंगली परिंदे हमने इस पिंजरे में डाल दिए हैं, और शिकरा ना इसके अंदर है अभी भी, क्योंकि इसको अंदर इसके छोड़ेंगे ना बाकी परिंदों पर ही हमला करेगा, उनको मार डालेगा, इसलिए इसको लेदर से रखा हुआ है। अभी घर जाएंगे मिनी जू में, वहां पर देखते हैं अब क्या करना है इनका। चलो यार लेट्स गो। हो गई, चलो भाई चलो, एक चिड़िया भी निकली है। ऐसे उड़ती जाएंगी, देख के भाई गिरना जाना, शाबाश, वेरी गुड, जाओ 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 जाओ। तेरा बारी आ चुकी है इन सब परिंदों को आजाद करने की। शिकरा कहें तो आप, अच्छा उसको भी करना है, ठीक है। करो भाई करो करो, एक साथ करना सबको, मजा आएगा। हाँ एक साथ, ये हो गए। क्या बात है, कितने रहते हैं? ओ ओ ओ ओ, हो गया हो गया, एक लास्ट, ये मैं करूंगा, ये मुझे दे दो यार प्लीज, यार प्रॉप। चलो तो पिंजरे वाले दोस्तों, मैंने सारे परिंदे आजाद कर दिए हैं और वो खुली फिजा में अब उड़ रहे होंगे, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब बारी है शिकरे की, अब मैं इसको आजाद करूंगा। तो जाओ भाई तुम भी आजाद हो जाओ, चलो अपनी जिंदगी एंजॉय करो, एक दो तीन जाओ भाई। ओए हो गया सितैन, सही गया, वो देखो चला गया, वो बैठ गया ऊपर छत पे, वो देखे दोस्तों वहां पर बैठ गया शिकरा, वो देखे। मेरे ख्याल में ये कुछ टाइम ऐसे आराम करेगा फिर ये उड़ जाएगा। सितैन तुम्हें क्या लगता है? बड़ी अच्छी बात है, क्या है? मौसम भी अच्छा हो गया, बादल भी, ठंडी ठंडी हवा है, मजे का मौसम है यार। बाकी वाले परिंदे भी फौरन उड़ गए, सारी चिड़ियां सितैन घूमे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए सब परिंदों को आजाद करने में। तो यार क्योंकि आज बादल हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हस्कीज को ना पहले ही खोल लेते हैं आज वक्त से। गर्मी की वजह से ना हम इनको बहुत लेट खोल देते हैं, क्योंकि इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और ये खेलते हैं भागते हैं और ये बहुत थक जाते हैं। अब ये थकेंगे नहीं, ठीक है ना, मौसम अच्छा है तो ये इंजॉय करेंगे। हाँ भाई ऐश, ठीक है ना, सही किया ना मैंने, पी लो, चलो पी लो, पानी प्यास लगी होगी इनको। हाँ भाई चलो शाबाश, तुम खेल लो आपस में। एक मिनट क्या हुआ, आगे क्यों आए हुए हो? मुझे लगता है यार इन सबको ना भूख लगी हुई है, जिसकी वजह से दरवाजे में हमारे इंतजार में खड़े हुए हैं। ये देखें यार सारे परिंदे, ऐसे कैसे हो सकता है, इनको खाना शाम का शायद नहीं मिला हुआ। हाँ बिल्कुल खाली है, इनको मैं देता हूँ अभी। ये लो मिक्स फीड, ये लो दाना। ये कबूतर लावारसों की तरह यहाँ पर आते हैं और खाना खा के दोबारा ना वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, यानी कि अपना घर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने घर को छोड़ के भाग गए। यार ये कैसा इनका जहन है, समझ नहीं आ रही मुझे। आ जाओ खाना खा लो नीचे, आ जाओ शाबाश, इनको भी तो भूख लगी होगी यार, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। ये क्या डाल दिया ये किचन में?
किचन। अभी यार मैंने इतना ज्यादा दाना डाल दिया था इनको। कोई बात नहीं, ये भी खा लेंगे ना साथ में। अच्छा अच्छा खा लो यार। दरवाजा खोलो सिपाही, अंदर जाना चाहते हैं कबूतर। चलो रात होगी या नहीं तो फिर ऊपर ही बैठे रहेंगे। चलो खोल दो। और मुर्गी अगर आना चाहती तो थोड़ा सा उसको बाहर भी आने दो, सारा दिन बंद ही रहती है यार। फ्योना को उठा लो। लेकिन आ जाओ भी कबूतर, आ जाओ, दरवाजा खुल गया, जल्दी जल्दी अंदर चलो। चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें नहीं बुलाया मैंने, कबूतरों को बुला रहा हूँ। हर वक्त मेरे पास आ जाती हो यार। ऐश बिल्कुल नहीं आता, फ्योना को जो ही मैं बुलाता हूँ ना वो आ जाती है। हैं, तुम भी आ गए? अच्छा अच्छा, तुम भी आ जाते हो, तुम भी आ जाते हो। चले दोस्तों, ये खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे जब देखेंगे दरवाजा खुला हुआ है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। आज हमने बहुत सारे जंगली परिंदों को आजाद किया। चिड़िया थी, कबूतर थे, शिकरा भी था एक, और एक दो और परिंदे भी थे, भूले हुए हैं। कौन कौन से थे यार तुम बता दो? चिड़िया थी छोटी बड़ी, ठीक है, कबूतर थे, शिकरा था, उसके बाद बस बुलबुल थी। हाँ बुलबुल भी थी। चले यार, बहुत मजा आया ये आजाद करके। तो मिलेंगे चले कल। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। चिकन बॉयल हो गया सिप्टन फ्योन और ऐसा भी हो रहा है, काम रहता है थोड़ा बहुत। तो चिकन बॉयल और ईगल को भी खाना देना है भाई। उधर उधर जा रहा है यार। ओए बंद कर दो यार, बंद कर दो यार, अभी नहीं आ रहे, रात को पकड़ लेंगे कबूतरों को। अभी नहीं आ रहे वो नीचे। ओके ठीक है, ओके।